डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। खरखोदा थाना क्षेत्र में बाइक में तमंचा खुद रखकर शिक्षक को गिरफ्तार करने के खुलासे के बाद अब मेरठ जिले के किठोर थाना क्षेत्र का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। पुलिस ने स्कूटी में तमंचा खुद रखकर युवक को ये कहते हुए उठा लिया कि इसके पैर में गोली मारेंगे तब पता चलेगा। बाद में 50,000 रुपए भी भेजने के बाद स्कूटी को छोड़ दिया गया। मामला मीडिया में आया तो बैकफुट पर आई मेरठ जिले की जाबाज पुलिस ने 50,000 रुपए वापस कर दिए। भ्रष्टाचार में लिप्त मेरठ पुलिस की इस गुंडागर्दी की शिकायत आज राधना इनायतपुर से फिरोज ने SSP ऑफिस पहुंचकर की। उसने मीडिया को वह ऑडियो भी उपलब्ध कराई जिसमें सिपाही को बिचौलियों को पैसे वापस करने की बात करते हुए सुना जा रहा है। इस बिचौलिए के जरिए ही 50,000 रुपए लिए गए थे। मेरठ जिले के थानों में एक के बाद एक जिस तरह का पुलिस का नंगा नाच सामने आ रहा है, उसने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की योगी सरकार की नीति को आईना दिखा दिया है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों अधीनस्थों की इन कारगुजारियों पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे, यह भी जांच का विषय बनता जा रहा है। पहले सुनिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे फिरोज की। सर, मैंने कल प्रार्थना पत्र दिया था SSP सर को। हमारे घर पुलिस आई थी और स्कूटी की चाबी लेकर हमारी, उसमें तमंचा डालकर उसकी वीडियो बनाकर ले गई और धमाका हम बहुत ज़्यादा केस की टांग में गोली मारकर जेल भेजेंगे। मुझ मेरा कोई किसी से कोई विवाद भी नहीं है, ना ही कोई मुझ पर कोई मुकदमा है किसी भी तरह का। और फिर कल मेरे चाचा की बात हुई है एक पुलिस वाले से, अनिल जो ड्राइवर हैं गाड़ी के, उन्होंने खुद स्वीकारा है इस बात को कि जो आपकी अमानत है आपके पास पहुँच जाएगी। हमने 50,000 रुपये दे के इसकी स्कूटी छुटाई थी, उसके लिए वे बोल रहे हैं, उसकी वीडियो है, ऑडियो है मेरे पास में। और कल पुलिस हमारे घर आई थी, DVR भी निकाल के ले गई हमारा। अब हमें खतरा है कहीं कोई और घटना ना हो जाए हमारे साथ में। अभी कैमरे भी चालू नहीं है। पुलिस करीब 7 बजे आई थी हमारे घर पर और वो DVR निकाल के ले गई जाँच के नाम पर। उसकी वीडियो भी मेरे पास में है। पुलिस ने कहा कि जाँच करेंगे हम उसकी। अब क्या है, आप SSP ऑफिस आए हो, क्या है आपको, क्या कुछ आए हो? अब इसलिए आए हैं, कल हमारे पास में वीडियो है उसकी जो DVR निकाल के ले गए, ऑडियो भी है। पुलिस ये कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं मिले, हमें पैसे तुम्हारे दलाल को दिए होंगे, तुमने उसके पास में होंगे। अच्छा, आपने आरोप लगाया था कि आपकी स्कूटी में पुलिस वालों ने तमंचा लगा, वो क्या है, रखा है, क्या मामला हुआ? मेरी माताजी, जब पुलिस वाले स्कूटी की चाबी लेके गए स्कूटी के पास में, मेरी माताजी पीछे पीछे गई, उनके माताजी खुद बोल रही हैं इस बात को कि मैंने स्कूटी में तमंचा डालते हुए उन्हें देखा है। कोई भी इंसान स्कूटी की डिग्गी में तमंचा रखेगा सर जी? पैदान में कोई नहीं रखेगा। मैं स्कूटी जब लेकर आया हूँ, मेरे लेकर आने से करीब 5 घंटे स्कूटी खड़ी रही है। 5 घंटे के बीच में मैं स्कूटी पर नहीं गया हूँ, स्कूटी के पास वीडियो में देख रहा हूँ CCTV फुटेज में। मैं क्या इतना पागल कोई भी नहीं होगा कि स्कूटी के पैदान तमंचा रख के ऐसे छोड़ देगा 5 घंटे के लिए। 50,000 रुपये वापस दे दिए सर? जब हमने कल शिकायत करी SSP साहब के पास में, उसके बाद 50,000 रुपये हमारे घर पास वापस पहुँचा दिए पुलिस ने। किसने पहुँचाए, कौन था? आसिफ नाम का लड़का है, उसी के थ्रू हमने ओमवीर सर को पहुँचाए थे और उसी के थ्रू वापस आए हमारे पास में। ओमवीर सिपाही है जो हमारे घर पे गए थे, जिन्होंने ये कहा कि इसकी टांग में गोली मारकर जेल भेजेंगे, वही स्कूटी लेकर आए थे घर पर। अनिल तेवतिया की रिकॉर्डिंग है, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है कि हाँ आपकी अमानत आपके पास पहुंच जाएगी, वो पैसों के बारे में बोल रहे हैं साहब। क्या शंका है आपको, किस लिए आए हो? इसलिए आए कि DVR निकाल के ले आए, कोई और बात ना हो जाए हमारे साथ में। अब सुनिए वे ऑडियो जो फिरोज ने मीडिया को उपलब्ध कराया है। इनमें सिपाही को बिचौलियों को अमानत वापस करने की जानकारी दी जा रही है। हेलो हेलो जी, ओमवीर नहीं, ओमवीर जी उसने फोन नंबर दिया था। अच्छा हाँ, तुम्हें यहाँ बैठे हमें आए थे ना जी, नाम जी जोशी साहब के यहाँ आए थे। हाँ जी, तो सर आपके वाले भी सर लोग यहीं आ रहे होंगे, तो आगे होंगे आ रहे होंगे वो लोग जी। तो आपके आपकी जो भी बात होंगे ओमवीर से, क्या बात हुई थी आपकी? मेरी कोई बात नहीं हुई ओमवीर से। नहीं, स्कूटी तो आप ही लगे थे ना? नहीं, मैं कहाँ ले गया हूँ, और आसिफ ले गया। आसिफ कौन है? आसिफ को नहीं जानते आप?
मैंने जानता यार। अच्छा जी, गांव के हैं आपके? इसका क्या नाम लगा, क्या नाम है? हैं सोएब ले गया, सोएब। सोएब कौन? सोएब किशोर का लड़का है। अच्छा 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 जी, अच्छा सोएब से कहा होगा होमिन ने। अच्छा 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 हाँ। अच्छा तो आपकी कोई बात हुई क्या सोएब से? आप कुछ सोएब मेरे पास से गया अभी। अच्छा क्या बात हुई आपकी? हाँ क्या बात, क्या बात हुई आपकी? अब अनिल जी क्या बात हुई आपकी? अब मैं यही कह रहे थे कि तुम्हारी जो अमानत है तुम दे देंगे। हैं तुम्हारी है, तुम्हारे पहुंचा देंगे। अच्छा अच्छा जी, नहीं अब चलो तो ठीक है फिर, तो ये ठीक है। हाँ हाँ जी हाँ, तो ये मैंने उनसे कहा था उससे उनसे जी। हाँ तो पहुंचा नहीं है, पहुंच जाएगा है ना? हाँ अभी पहुंचे नहीं, पहुंच जाएगा कह रहे हैं कि तुम्हारी अमानत तुम्हारे पहुंच जाएगी, सामान पहुंच जाएगा तुम्हारा। हाँ जब सोएब ने कहते तो कोई बात ना फिर तो जी है जो नहीं। तो आपको नंबर किसने दिया मेरा? ओमबिन दिया, ओमबिन ने दिया है। चलो ठीक ठीक भैया ठीक। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।